प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप करते हैं? बोलिए मैं यीशु से प्यार करता हूं। बोलिए मैं यीशु से, सिर्फ यीशु से ही प्यार करता हूं। हालेलुया। हमारा पहला प्यार कौन सा है? यीशु। हमारा जीवन कौन है? यीशु। हमारी रोटी कौन है? यीशु। आमीन। वही है और कुछ नहीं है। अगर यीशु नहीं है मेरी भाई मेरी बहन, तो हम कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझिए। और परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? जब परमेश्वर ने आपको चुना, आपके संग क्या क्या हुआ आपको पता है? आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके संग क्या क्या किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आपको नई सृष्टि में लाता है। अब जब वो आपको नई सृष्टि में लाता है तो आपको अपनी आत्मा तो देता ही है। आपकी आत्मा को जिंदगी देता है, जीवन देता है, नया मन देता है, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डालता है। और क्या करता है पता आपको? आपको आपके चारों तरफ बाड़ा बांध देता है। आमीन। आपके चारों तरफ बाड़ा बांध देता है। और बताऊं क्या करता है? और एक स्वर्गदूत आपके साथ खड़ा रहता है। हेलो। आमीन। मैं सोच रहा था आप कि चिल्लाएंगे, आप जोर से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो हमारे चारों तरफ बाड़ा बांध देता है। सुरक्षा का बाड़ा, बरकत का बाड़ा, आशीषों का बाड़ा, बुद्धि और समझ का बाड़ा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। मैं महसूस करता हूं उसका प्रेम इसमें है कि जब हम पापी ही थे तो उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया और इस योग्य बनाया कि हम उसके साथ रह सकें, हम उसे पिता कह सकें, हम उसे पापा कह सकें। आमीन। और अंगीकार कर सकें कि ये मेरे पिता का संसार है। आमीन। तो परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधा है। अब उस बाड़े में रहना हमारा काम है, उस बाड़े में चलना हमारा काम है। हेलो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको कपड़े दिए। अब मैं आज कपड़ा पहन के चला हूं, इसको संभालना किसका काम है? मैं चाहूं कमीज को फाड़ू और उतार के फेंक दूं तो कौन होगा नंगा? इसका जिम्मेदारी कौन होगी? मेरी। आमीन। परमेश्वर ने जो बाड़ा दिया है उसको संभालना किसको है? हमें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो परमेश्वर का दिया हुआ बाड़ा है वो किस तरीके से आपके जीवन में काम करता है, किस तरीके से आपको आशीष देता है, किस तरीके से परमेश्वर के अभिषेक से आपको मिलवाता है, किस तरीके से परमेश्वर की योजनाओं के बारे में आपको बताता है, किस तरीके से परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर काम करता है। ये बाड़ा, हालेलुया, सामर्थ, सुरक्षा का। पहला पत्रस अगर 1:5 हम पढ़ेंगे, 1 पीटर 1:5 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि परमेश्वर कितना प्यार करता है और उसका सामर्थ हमारी रक्षा करता है। पहले पढ़िए बेटा, 1 पीटर 1:5, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला की जाती है। आमीन। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आपकी रक्षा की जाती है, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो बाड़ा बांधा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं मैं आपको, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं,
अगर आप परमेश्वर के अनुसार उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को निभाते हैं और उस बाड़े में रहते हैं, शैतान कुछ आपका नहीं कर सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोशिश करेगा शैतान आने के लिए, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो चेले जो नाव में जा रहे थे वो परमेश्वर के बाड़े में थे, वो यीशु के बाड़े में थे। शैतान ने कोशिश की, तूफान लाया, आंधी लाई, लहरें डगमगाई, नाव डोलने लगी और वो डर गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का बाड़ा यीशु के रूप में उनके साथ था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हमें सिर्फ ये देखना है कि मैं उस बाड़े में हूं। परमेश्वर, जब आप अन्य जाति में थे, जब आप परमेश्वर में नहीं थे, जब आप अविश्वासी में थे, तो आपके पास कोई बाड़ा नहीं था। जब भी कुछ होता था, आप नहीं चाहते थे, वो काम होता था। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह में आए, जैसे ही आपने विश्वास किया, जैसे ही आपने बपतिस्मा लिया, आप यीशु के बाड़े में आ गए। आमीन। और हमें उसी में रहना है। ये हमिंग हो रही थोड़ी सी। और हमें उसी में रहना है, तभी हम आशीष पाएंगे। यहां पर मैं आपको तीन दोस्तों से मिलवाऊंगा, शद्रक मेशक अबेदनगो, प्रेज द लॉर्ड, जो कि दानियल के दोस्त थे और परमेश्वर के बहुत चहेते थे। दानियल नबी की पुस्तक 3 में अगर हम देखेंगे 19 से 25 के बीच में, तो नबूकदनेस्सर जो वहां का राजा था, बहुत क्रूर राजा था, वो यहूदियों को बेबीलोन में लेकर आया गुलाम बनाकर, और इन चार लोगों को भी लेके आया, दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को। बहुत क्रूर राजा था। और उस समय उस राजा ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और कहा कि इस मूर्ति को जो पूजेगा वही इस शहर में, इस राज्य में रह पाएगा। जो इस मूर्ति को नहीं पूजेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा ऐलान हो गया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो, जिनके चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, प्रेज द लॉर्ड, कुछ लोग थे जो उनसे जलते थे। कुछ लोगों ने राजा से शिकायत की कि राजा, शद्रक मेशक अबेदनगो, जिनको तूने अपने राज्य में एक स्थान दिया है, एक ऊंचा पद दिया है, वो तेरी बात नहीं मान रहे, वो तो यहोवा को पूछते हैं, वो तुझे नहीं पूछते और ना ही तेरी बनाई हुई मूर्ति को पूछते हैं। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा अच्छा, बुला उनको। राजा ने बुलाया उनको, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम उस मूर्ति को नहीं पूछते हो? शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा नहीं पूछते हम, नहीं पूछते हम, क्योंकि तेरी मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है तेरी, हम जीवते परमेश्वर को पूछते हैं। इसी का 17-18 पढ़िए, 3:17-18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। नबूकदनेस्सर ने क्या कहा कि अगर तुम नहीं पूजोगे तो मैं इस धधकती भट्टी में तुम्हें डाल दूंगा। ये धधकती भट्टी में तुम्हें, आपको पता है शैतान किस तरीके से आपके जीवन में काम करता है? वो आपकी परीक्षा लेता है, वो आपको डराता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुम मुझको नमन नहीं करोगे। यीशु मसीह को कहां पर ले गया? वो ऊंचाई पर, चोटी पर ले गया, यरूशलेम की चोटी पर। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा मुझे मान, देख सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, अगर तू मेरे पैर पड़ेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। कहां लेकर बात कर रहा है? वो ऊंचाई पर, चोटी पर डरा रहा है यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के चरणों में नमन करना और कहीं नहीं। शद्रक मेशक नगमो ने कहा कि नहीं, उसने कहा कि मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा। तो उसने कहा कि अगर तू राजा हमें आग की भट्टी में डाल देगा तब भी हम तेरे मूर्ति को नहीं पूजेंगे। आगे पढ़ो बेटा। वरन हे राजा,
वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ, परंतु वो तेरी आग से भी हमें छुड़ा सकता है। तू नहीं जानता हमारा परमेश्वर कौन है मेरे भाई। अपने परमेश्वर को जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमारा परमेश्वर है कौन, वो क्या कर सकता है, वो कहां से हमें बचा सकता है, वो कैसे हमारे संग रहता है, वो कितना प्यार करता है। जिस दिन हम ये जान गए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करता है, आपको परीक्षाओं से डरने लगेगा, आप मुसीबतों से डरेंगे नहीं। अगर आपकी एक नौकरी छूट जाएगी तो आपको पता है कि आपका पिता, आपका परमेश्वर, इस स्वर्ग का सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपके साथ है, और जब वो बंद दरवाजे खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग जानते थे कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, इसलिए वो 18वें में क्या करता है, 18वें में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हाँ। और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ। क्या क्या उसने कि अगर मेरा परमेश्वर मुझे नहीं बचाएगा तो भी ऐलान करता हूं मैं कि ना तेरी मूर्ति के सामने पूजूंगा और ना ही तेरे सामने पूजूंगा। आमीन। वो जानता था कि मैं परमेश्वर का बंदा हूं। आपको पता है जब शद्रक मेशक अबेदनगो बेबीलोन में लाए गए उनकी उम्र कितनी थी? वो 16 साल के थे और उन्हें गुलाम बनाकर लाया गया बेबीलोन में नबूकदनेस्सर के द्वारा। और ये जो घटना होती है, जब अध्याय 3 की घटना होती है, ये 20 साल के बाद होती है। प्रेज द लॉर्ड। 20 साल के बाद, यानी कि जब वो 36 साल के थे, 20 साल वो बेबीलोन में थे। कैसे थे? गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 20 साल तक परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की, लेकिन वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमें हर पल परमेश्वर से कुछ चाहिए, हम हर पल परमेश्वर को नापते हैं। आज ये हुआ प्रभु, आज ये प्रॉब्लम है, ये करो, आज ये प्रॉब्लम है, ये करो, आज ये प्रॉब्लम है, ये करो। हम रोज नापते हैं, हम रोज परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। हम उसे प्यार नहीं करते, इसलिए हमारा विश्वास मुकम्मल नहीं है, इसलिए हमारा विश्वास बड़ा नहीं होता कि मेरा परमेश्वर है। इसलिए उनका विश्वास था कि मेरा परमेश्वर अगर वो नहीं बचाएगा तो ना सही, फिर भी हम तेरी उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि हर पल मांग नहीं रहे थे वो, ये नहीं कह रहे थे हर पल हमें ये दे, हमें वो दे, हमें वो दे, नहीं। वो जान रहे थे कि जो चीज परमेश्वर ने मुझे दी है वो अमूल्य है। जो आजादी मुझे दी है, जो अनंत काल का जीवन दिया है, वो अद्भुत है, उसके सामने किसी भी चीज की कीमत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ देखिए, नबूकदनेस्सर को गुस्सा आ गया, उसने अपने सिपाहियों से बोला, 19 पढ़िए, 19 से जल्दी से पढ़िए। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। हाँ। और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। हाँ। उसने आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना अधिक धधका दो। उसने आज्ञा दी, उसका चेहरे का रंग, राजा भाई, राजे के सामने आज तक किसी ने मना नहीं किया, और ये 3 लोग यहूदी गुलाम मना कर रहे हैं। उसका रंग बदल गया, उसने कहा, सामने किधर आप, इस भट्टी को 7 गुना बढ़ा दो, 7 गुना इस भट्टी की आग को बढ़ाओ। जल्दी पढ़िए 20वां। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। बलवान पुरुषों को, सैनिकों को आज्ञा दी कि इनको धधकती आग में डाल दो। आगे, तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। यानी कि किसने डाला उनको?
उन सैनिकों ने। ध्यान दीजिए इस बात को, ध्यान दीजिए, आग 7 गुना बढ़ा दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सैनिक हैं वो कवच पहने हुए हैं, वो जो सैनिक हैं वो पोशाक पहने हुए हैं, वो जो सैनिक हैं वो ऐसा चोगा पहने हुए हैं जिस पे आग असर नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो सैनिक हैं उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, टोपा पहना हुआ है, शील्ड पहनी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इनको लेकर जा रहे हैं और इन्होंने क्या पहना हुआ है? पैजामा। इन्होंने साधारण वस्त्र पहने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बाड़ा इनके साथ है, परमेश्वर का बाड़ा इनके साथ नहीं है। वो जो सैनिक थे जिनके पास पोशाक थी, जिनके पास शील्ड थी, जिनके पास ग्लव्स थे, जिनके पास कैप था, उनके पास परमेश्वर का बाड़ा नहीं था। और आप देखिए क्या होता है, जैसे वो सैनिक उन्हें भट्टे में डालते हैं वो सैनिक जल जाते हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आग से जल मरे। जिन पुरुषों ने उनको भेजा वही आग में जल गए। यह है परमेश्वर का बाड़ा। वो क्यों नहीं जले शद्रक, मेशक, अबेदनगो? क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा उनके साथ था। क्यों हम मसीहों के साथ परमेश्वर का आशीष होता है? क्यों हम जाते हैं और जब परमेश्वर, यू वॉन्ट बिलीव, आप नहीं जानते आप कौन है, आप नहीं जानते परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों तरफ है। आप सोचिए कि जो सैनिक जिनके पास पोशाकें थीं, वो पोशाकें थी कि जिनसे वो जल नहीं सकते थे, वो उनके पास ग्लव्स थे जिनसे वो जल नहीं सकते थे, उनके पास वो टोप था जिनसे वो जल नहीं सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन्होंने क्या पहना हुआ था? एक पैजामा, सादे कपड़े का पैजामा पहना हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो आग इनको नहीं जलाती है, उनको जलाती है, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा इनके साथ था। क्या आपके संग है? इसीलिए, और ये इनको पता था। हेलो, इनको पता था। समस्या कब आती है कि आपको पता नहीं है? आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा बांधते हैं। परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों तरफ है। आपका बाड़ा क्यों कमजोर होता है पता है? क्योंकि आप परमेश्वर से ज्यादा संसार पर भरोसा करते हैं। आपका बाड़ा क्यों कमजोर होता है? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, इसलिए आपका बाड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए शैतान आपके जीवन पे काम करता है। परमेश्वर के साथ होते हुए परमेश्वर के साथ नहीं है आप। वचन जानते हुए वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं आप। शरीर की अभिलाषा आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मेरी शरीर की अभिलाषा पूरी हो जाए, पर आप भूल जाते हैं कि आप अपने अगर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेंगे तो आप उस बाड़े को खो देंगे, आप उस सुरक्षा के कवच को खो देंगे, आप उस परमेश्वर के अभिषेक को खो देंगे। हालेलुया। लूका में अगर आप देखें, पतरस, लूका 22:31-34, पतरस किसका चेला था? मुझसे बात करिए, यीशु मसीह का। किसका चेला था पतरस? जोर से बोलिए, किसका चेला था? यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह दिन रात उनके संग रहते थे। हेलो, यीशु मसीह चेलों के संग दिन रात रहते थे कि नहीं रहते थे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, उनके साथ रह रहे थे, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ? लूका 22:31-34 में देखिए क्या हुआ। समोन, हे समोन, देख शैतान ने तुमको लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। तरीके से पढ़ो, शमोन, हे शमोन, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। देख शैतान ने तुमको
लोगों को मांग, तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई पटके जाएं। यीशु मसीह के होते हुए कोई आपको मांग सकता है? कैसे मांग लिया, कैसे मांग लिया? आपको शौक नहीं हो रहा? अरे यीशु मसीह ने चुना, यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं की तरह पटके जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की तेरा विश्वास जाता ना रहे। ऐसा क्या हुआ कि शैतान पतरस के अंदर आ गया, चेलों के अंदर आ गया? कैसे आ गया? शैतान आ सकता है क्या चेलों के अंदर? अगर चेलों के अंदर शैतान आ सकता है तो मैं और आप क्या चीज है? हेलो, मैं और आप क्या चीज है? इसको समझने के लिए हम इसी का 24वां पढ़ेंगे, 22 का 24वां। उनमें एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि हम में से बड़ा कौन समझा जाता है। क्यों शैतान आया? आपको पता है शैतान का घर कौन सा है? अंधकार। शैतान का घर परमेश्वर ने क्या दिया है? बोलिए, शैतान का घर कौन सा है? अंधकार। अंधकार। यीशु कौन है? ज्योति है। तो जब आप घमंड करेंगे, जब आप स्वार्थ में जाएंगे, जब आप लालच करेंगे, जब आप व्यभिचार करेंगे, तो आप में अंधकार आ जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर अंधकार आएगा, उसी वक्त शैतान आपके अंदर आ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा था 24वें में कि जो चेले थे इनमें घमंड आ गया था, इनमें लालच आ गया था कि हम में से बड़ा कौन है। वो कहता है 24वें में कि उनमें एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ। विवाद यानी कि बहस, आपस में लड़ने लगे वो, विवाद होने के। अरे भाई मैं बड़ा हूं, मुझे पहले यीशु ने चुना था, मैं यीशु मसीह को बुलाता हूं, यीशु मसीह मुझे बुलाता है। पतरस, 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 तुम्हें बुलाता है यीशु मसीह? तदय से बोलता हुआ वो पतरस बोलता होगा तदय से, तदय बर्तोलेमे तुझे बुलाया, यहूदा इस्करियोती तुझे बुलाया, मुझे बुलाता है हमेशा पतरस, 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 मैं बड़ा हूं। ये होता है। तो चेले हैं, जो लीडर्स हैं आज भी चर्च में, जो लीडर्स हैं वो समझता है कि हमको सब लीडिंग दिया गया, हम माइक पकड़ के खड़े हैं, हम पहले हो गए, अभी हम बढ़ गए, ये तो पीछे खड़े हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये तो पीछे खड़े हुए। हमें अपने अंदर ये चीज नहीं लानी है। ये लेकर आया था कि उनमें एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि हम में से बड़ा कौन समझा जाता है। उसने उनसे कहा, गैर यहूदियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जिनको उन पर अधिकार होता है वे परोपकारी कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ कि अंधकार आ गया। जैसे ही पतरस के अंदर, चेलों के अंदर अंधकार आया, कौन आया उनके अंदर? कौन आया उनके अंदर? अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, वो तो पवित्र है। यही आज मसीह करता है। आज जो मसीह बैठे हुए हैं यहां पर 20 साल, 25 साल, 30 साल से लिया हुआ है उन्होंने, घमंड करते हैं, लालच करते हैं, शरीर की अभिलाषा करते हैं, और शैतान आपके अंदर आता है, आपको पता लगता है कि हमारे अंदर। इसीलिए वो क्या कहता है, यीशु मसीह कह रहा है कि शमौन, तुझे शैतान ने गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। तो यानी कि क्या है यहां पर, ये शैतान बोल रहा है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा, शमौन शैतान ने तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है और मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। गेहूं कैसे पटका जाता है पता आपको? गेहूं को पटकते देखा आपने? गांव में गए देखा कैसे पटका जाता है? ऐसे नहीं, और एक के बाद एक धार 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 पटका जाता है गेहूं की तरह। गेहूं कैसे पटका जाता है? एक बार में नहीं होता है, लगातार
बार बार, यानी कि अगर आपके अंदर शैतान आ गया ना, तो आप बार बार परीक्षा में आएंगे, एक के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। आप समझ रहे हैं, शमौन पत्रस को शैतान ने गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया था कि परमेश्वर, शमौन को देखा आपने, परमेश्वर ने कहा शमौन तो यीशु का चेला है, नहीं सर उसके अंदर अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है और मैं उसके अंदर जा रहा हूं। परमेश्वर रोक नहीं पाए क्योंकि अंधकार उसका घर है और परमेश्वर ने ही कहा है कि तेरा घर अंधकार है, तो वो उसको अपने घर में जाने से कैसे रोक सकते हैं। लेकिन वो समझ नहीं रहा है, शमौन पत्रस समझ नहीं रहा है। हेलो, वो क्या कहता है, देखिए 33 में 34 में, उसने उससे कहा हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। हाँ, वो कह रहा है मैं तेरे संग बंदीगृह जाने के लिए और मरने के लिए भी तैयार हूँ। आगे उसने कहा हे पत्रस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। Praise the Lord. Hello. यीशु जानता है कि उसके अंदर अंधकार आ गया है, शैतान ने आज्ञा मांग ली है। आज यही होता है मसीहों के साथ, मसीह के अंदर अंधकार आ गया, स्वार्थ आ गया, व्यभिचार आ गया, लालच आ गई, फिर भी कहे नहीं मैं मसीह हूं। अबे लल्लू प्रसाद त्रिपाठी, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, परमेश्वर से मांग ले अभी भी कि सारी मुझे गलती हो गई मुझे माफ करो। नहीं, मैं तो वचन जानता हूं। अबे वचन तो तेरा बाप पत्रस भी जानता था, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका, इसलिए घमंड मत करिए। शैतान कब आपको पकड़ ले, कब आपके अंदर शैतान आएगा, आप परमेश्वर के बाड़े से दूर हो जाएंगे। और पता क्या होता है, एक बार जब आप परमेश्वर के बाड़े से दूर हो जाते हैं ना, तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है, आपकी समझ बंद हो जाती है, आप सही सोच नहीं पाते। आप मजाक मत समझिए जो मैं बोल रहा हूं, एक बार परमेश्वर का बाड़ा आपसे दूर हो गया ना, आप क्या समझते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं आपकी मेहनत से, नहीं, ये परमेश्वर की दया है आपके ऊपर जो आपको रोज की रोटी दे रहा है। Yes. आप क्या समझते हैं कि आपके समोसे लोग बहुत अच्छे खाते हैं आपको बनाना आता है, नहीं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है कि आप कितना आलू डालें, कितना नमक डालें, कितना उसमें गरम मसाला डालें और कितनी तरीके से उसको उबालें, परमेश्वर दे रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो बाड़ा हट गया, मैं चैलेंज करता हूं वही समोसा आप बेच के दिखाइएगा, उसी समोसे में कहीं कोई फीका कहेगा अरे क्या बनाया सर आपने, अरे यार अब तक तो सही था अब क्या हो गया, अरे देखिए खा के देखिए सर बिल्कुल फीका कच्चा है, कितनी मिर्च डाल दी आपने, फिर आप दोष लगाएंगे बेबी पर, बेबी मसाला तूने लगाया था, नहीं सर मैंने नहीं, ये बच्चे ने कहा था, तूने किया था, लड़ाई शुरू। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आप परमेश्वर के बाड़े से अलग हो गए हैं, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर काम नहीं कर रही है, आप दोष लगाएंगे बीवी पर, पास्टर पर भी दोष लगाएंगे कि पास्टर आपने सही प्रार्थना नहीं की, आप कहते हैं प्रार्थना करके काम करो, मैंने प्रार्थना करके समोसे बनाए थे, ये समोसे खराब कैसे हो गए, अरे भैया परमेश्वर की बुद्धि आपके यहां से चली गई है, इसलिए आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, शैतान आपको गलत डिसीजन दिलवा रहा है और आप समझ रहे हो कि मैं खुश हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, नहीं, बाड़ा नहीं है, आपको परमेश्वर के बाड़े में रहना है,
तभी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करोगे। अगर आप परमेश्वर के बाड़े में नहीं रहोगे मेरे भाई, तो आप उसके जीवन में काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। याकूब का नाम आपने सुना होगा, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम का बेटा याकूब और इसहाक, जिसने राहेल से शादी की, लिया से शादी की, और जब वो 20 साल बिताने के बाद अपने घर वापस आने लगा, तो लाबान जो कि उसका ससुर था, लाबान के पास कुछ ग्रह देवता थे जिसकी राहेल ने चोरी कर ली थी। उन मूर्तियों को राहेल ने चोरी कर लिया था। हालेलुया। मैं अगर आपको बताऊं 31वां जेनेसिस 31:33-35, जेनेसिस 31:33-35 निकाल के रख रही है। हालेलुया। तो लाबान को जब पता लगा कि याकूब अपने परिवार के संग उसे छोड़कर जा रहा है, तो गुस्से में आ गया। वो लालची आदमी था, बहुत गलत आदमी था, उसको यूज कर रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसे वहां से निकाल के लाया, लेकिन यहां पर गलती किसने की? राहेल ने, जिसको याकूब बहुत प्यार करता था। वो अपनी ग्रह मूर्तियां लेकर आ गई और लाबान ने उस पर दोष लगाया, याकूब पर, कि याकूब तुम्हारे यहां से किसी ने चुराई है, और अगर मुझे पता लग गया जिसने चुराई है उसको मैं मार दूंगा। और याकूब ने कहा कि अगर मेरे यहां से किसी ने ग्रह देवता की तुम्हारी मूर्तियां चुराई हैं, तो वो इसी समय मर जाए। उसको नहीं पता है कि वो अपनी बीवी राहेल को ही श्राप दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? राहेल ने क्या किया? पढ़िए 31:33 पढ़िए। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया दोनों दासियों को दोनों दासियों के तंबू में गया। हाँ। और कुछ न मिला। हाँ। तब लिया के तंबू में से निकल कर राहेल के तंबू में गया। हाँ जी। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। हाँ। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको न मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया इसने? राहेल ने ग्रह देवताओं की मूर्ति लेकर आ गई। याकूब परमेश्वर को पूछता था, यहोवा राफा परमेश्वर उसका परमेश्वर था, और परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? मूर्ति को पूजना वर्जित है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन राहेल उस ग्रह देवता की मूर्ति लेकर आ गई। पता क्यों? क्यों लेकर आ गई? मैं इसका जवाब अपने लीडर्स को दे चुका हूं कई बार। ग्रह देवताओं की मूर्ति क्यों लेकर आई? क्योंकि उस समय ग्रह देवता जिसके पास होंगे एक वसीयत समझी जाती थी, यानी कि लाबान की जायदाद, लाबान का जो कुनबा था उसकी जो जायदाद थी, जिसके पास ग्रह देवता होंगे उसमें उसका हिस्सा होगा। आज तो पेपर्स है ना आपके पास, आज तो पेपर्स होते हैं कि साहब आपके बेटे को पेपर दे दिया, लीगल साइनिंग कर दिया। उस समय ऐसा नहीं था, पेपर्स नहीं थे। उस समय लोगों के अपने अपने ग्रह देवता थे। तो आपके पास अगर आपके खानदान का ग्रह देवता है, तो आप उसके वसीयत के वारिस हैं। सिर्फ इस लालच में राहेल लेकर आ गई। प्रेज द लॉर्ड। ग्रह देवता लेकर आ गई। ये पाप किया उसने, देखिए। और उसके पाप की वजह से जो याकूब और याकूब का परिवार था वो बाड़े से हट गया, परमेश्वर का बाड़ा हट गया। अब क्या होता है देखिए 34वें में, 1-3 के बीच में आप 34वें में देखिए। अब क्या होता है कि जहां पर ये शेकेम में आते हैं, याकूब जो है शेकेम में आता है, इसकी बेटी दीना का बलात्कार हो जाता है। आप ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आप बाड़े में से हटते हैं, शैतान आपके जीवन में काम शुरू कर देता है। याकूब को नहीं पता, इसीलिए आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों से सावधान रहिए। आप अपने रिश्तेदारों की वजह से भी श्राप में आप आ सकते हैं, बंधन में आ सकते हैं। याकूब को नहीं पता कि साहब राहेल ग्रह देवता की मूर्ति लेकर आई है। और क्या हुआ जैसे वो शकेम में आते हैं? 34 का पहला पढ़िए, 34 का 1-2-3-4।
एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अब आप देखिए पांचवा पढ़ लीजिए, पांचवा। अतः शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की की मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। पांचवा पढ़िए। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी पुत्री दीना को भ्रष्ट किया है, परंतु उसके पुत्र तो पशुओं के साथ मैदान में थे, इसलिए वो चुप रहा। आप देखिए आप यहाँ पर कि दीना जो परमेश्वर की बच्ची थी, जो जानती थी किस तरीके से याकूब के चारों तरफ वो जो बाड़ा हटा और उसके संग ये काम हुआ। शकेम का जो राजकुमार था उसने बलात्कार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते हैं, आपको सुरक्षा परमेश्वर का बाड़ा दे रहा है। जिस दिन आप परमेश्वर के बाड़े से हट जाएंगे ना, उस दिन आपके जीवन में वो काम होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर कभी आपके जीवन में वो काम हो जो आपने सोचा नहीं हो, अगर आपके जीवन में अकस्मात ही कोई ऐसी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपके जीवन में अचानक ही कोई परीक्षा आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई अचानक, तो आप जांचिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया है, क्योंकि आप बाड़ा से हट गए। आपके चारों तरफ का बाड़ा हट गया है, इसीलिए यह हुआ है अचानक काम। हेलो, बाइबल में कितनी बार लिखा हुआ है, सचेत रहो, सावधान रहो। तो क्या हुआ, दीना को उसने भ्रष्ट कर दिया। और हुआ क्या कि याकूब और जो उसके जब बेटे आए और उनको जब पता लगा कि हमारी बहन के संग ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बदला लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने जब शकेम और का राजा और उसका जो राजकुमार जब इनसे मिलने के लिए आए, तो उसने क्या कहा कि साहब मुझे आपकी बेटी चाहिए, मैं आपकी बेटी से शादी करने वाला हूं। तो याकूब और याकूब के बच्चों ने एक चाल चली। उसने कहा ठीक है, अगर तुम लोग खतना कराओगे तो हम तुम्हारे संग रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं, अगर तुम खतना नहीं कराओगे तो हम तुम्हारे संग रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्होंने चाल चली। उसने कहा ठीक है साहब, हमें आपकी बेटी चाहिए, हम खतना करा लेंगे। खतना का मतलब क्या होता है, जब इंसान जब आदमियों का खतना होता है तो 3 दिन तक उसका लहू बहता रहता है और जो आदमी है वो कमजोर हो जाता है। और वो जानते थे कि हम 3 दिन में जैसे इनका खतना करेंगे, पूरे देश के जो आदमी होंगे जब वो जख्मी होंगे तब हम इन पर आक्रमण करेंगे। इसी का 25वां पढ़ो, 25वां। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि सिमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने जो दीना के भाई थे अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुस कर सब पुरुषों को घात किया। सब पुरुषों को घात किया। किसने घात किया? शमौन और लेवी ने। लेवी गोत्र से कौन आता है? याजक। यानी कि जिस गोत्र को परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, उस गोत्र को याकूब ने खूनी बना दिया। हेलो, ध्यान दीजिए आप अगर परमेश्वर, ये तो परमेश्वर की बहुत कृपा है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर का बाड़ा जो हमारे चारों तरफ है वो हट जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी हट गया। याकूब को पता नहीं लगा कि उसका बाड़ा हट गया है। और इन दोनों लड़कों ने पूरे समाज के जो आदमियों को मार दिया, तब परमेश्वर ने उनको सचेत किया। 35 पढ़िए, 35:1-2। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतुल को जा और वहीं रह और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। वहीं रहे, बेतुल को जा जहां मैंने तुझे दर्शन दिया था, जहां जा जहां मैंने तेरे संग कुश्ती लड़ी थी, वहीं जा और वहीं रहे। उसके बाद क्या क्या, जल्दी से पढ़िए। जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया
जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था, तब याकूब ने अपने घराने से और उनसे उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराया देवता है उन्हें निकाल फेंको। आमीन। देखिए, तब याकूब को पता लगा कि मेरी बीबी राहेल के पास देवता है, मैं क्यों बंधन में आ गया, क्यों मेरी बेटी के संग बलात्कार हुआ, क्यों मेरे बेटे खूनी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उसको एहसास हुआ, उसको पता लगा कि मेरी बीवी राहेल के पास मूर्तियां हैं, ग्रह देवता हैं। इसलिए वो क्या कहता है कि इन ग्रह देवताओं को यहीं निकालो, निकालो, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन कि हम जल्दी से जान लें कि हमारी गलती क्या है, जल्दी से हम पछतावा कर लें कि हमारी गलती क्या है। अगर आपसे गलती हुई है, पछतावा करिए, माफी मांगिए, क्योंकि आपके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा होना जरूरी है। अगर वो बाड़ा हट गया तो शैतान आपको खत्म कर देगा। अगर आपको एहसास होता है कि मेरी गलती है, उसी समय मांगिए गलती की, मुझे माफ करो, यस मुझसे गलती हुई, अंगीकार करो, अंगीकार करो कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने चुना था और दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ दिल के करीब रहने वाला बंदा था। हालेलुया। भजन संहिता 40 निकालिए, मैं आपको दो वचन के बाद इसको बंद करता हूं। आप देखिए 40वें वचन में दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है। 40 का दूसरे में वचन कहता है, 40 का दूसरा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन, आमीन। एक जगह वो अंगीकार करता है कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला, दलदल की कीचड़ में से निकाला और चट्टान पर स्थिर करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब दाऊद ने बतशेबा का पाप किया, बतशेबा को जब उसने पाप किया, जब उसके पति को मारा, उरिया को मारा, तो 12वां वचन क्या कहता है, इसी भजन का 12वां वचन क्या कहता है, देखिए, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं। आपको पता है बतशेबा के संग कुकर्म करने के बाद, उसके पति उरिया को मारने के बाद दाऊद को बीमारियां हो गई थी, दाऊद के शरीर पर बीमारियां आ गई थी। वचन कहता है क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है, मैं दृष्टि नहीं उठा सकता, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब उसने बतशेबा के संग पाप किया, वो बाड़ा टूट गया। भजन संहिता 40:2, बाड़े में था जब वो कहता है कि मैं सत्यानाश के गड्ढे से, मुझे सत्यानाश और कीचड़ में से, दलदल की कीचड़ में से परमेश्वर ने निकाला हा। और यहां क्या कहता है 12वें में, कि मुझमें अनगिनत पाप हैं, मैंने अनगिनत पाप किए, पापों ने मुझे जकड़ लिया है, क्योंकि बाड़ा टूट गया उसका, उसके चारों तरफ बाड़ा टूट गया। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी कभी छोटा सा पाप करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, छोटा सा पाप है, परमेश्वर उसे माफ करेगा। नहीं मेरे भाई, हम समझें, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। भजन संहिता 19 का मैं आपको बताता हूं, लास्ट 19:12, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर दे। अगर भूल चूक से मुझसे पाप हुए हैं परमेश्वर, तो मुझे क्षमा कर, माफी मांगिए। प्रेज द लॉर्ड, ताकि आप उस बाड़े से ना निकलें, क्योंकि वो बाड़ा ही आपको सुरक्षा का आशीष दे रहा है, अभिषेक में बांधे हुए है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जैसा इंसान
याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्र नहीं हैं, अगर आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, अगर आप उसकी आज्ञाओं को अनदेखा कर रहे हैं, अगर आप उसके वचनों को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, अगर आप उसकी जगह संसार को अहमियत दे रहे हैं, आपके चारों तरफ जो बाड़ा बांधा है वो निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब निकल गया, कब निकल गया, आप सोच नहीं सकते। इसलिए अपने आप को बाड़े में रखने की कोशिश करिए कि नहीं, मेरे चारों तरफ बाड़ा बना रहे, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर का बाड़ा चारों तरफ बना रहे। आपको याद है अय्यूब की पुस्तक में जब शैतान गया था परमेश्वर के पास, अय्यूब की पुस्तक अगर आप निकालेंगे तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू पृथ्वी से आया है? उसने कहा यस, मैं पृथ्वी से आया हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तूने देखा मेरे बच्चे को अय्यूब को? तो उसने कहा साहब अय्यूब को देखा मैंने, लेकिन उसके चारों तरफ तूने बाड़ा बांधा हुआ है। हालेलुया। क्या कहा था कि चारों तरफ उसने तेरे क्या नवा, पहले का नवा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय अकारण मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? तूने उसके हाथों के कामों पर आशीष दी है और देश में उसकी संपत्ति बढ़ गई है। ये क्या कह रहा है? शैतान जानता है अय्यूब के चारों तरफ, अय्यूब के परिवार के चारों तरफ, अय्यूब के बिजनेस के चारों तरफ उसके हाथों को आशीष किसने दी? परमेश्वर ने। इसलिए शैतान कहता है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ तुमने बाड़ा बांधा है। अगर आप बाड़े में रहेंगे ना मेरे भाई, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपके बिजनेस में ना आपके घर में, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चैलेंज करता हूं, अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरी ईमानदारी के संग लेके चलिए, मत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आप बाड़े में बने रहेंगे और जिस दिन बाड़ा हट गया शैतान एंटर हो जाएगा। अय्यूब एक घंटे के अंदर अय्यूब को पूरा उसका साम्राज्य खत्म कर दिया था शैतान ने, एक घंटे के अंदर। इसलिए अपने आप को संभालिए, परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों तरफ बना रहे, ऐसी प्रार्थना करिए और ऐसी कोशिश में रहिए। आज का वचन अच्छा लगा आपको? प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अद्भुत आशीष देगा। विश्वास करिए और लोगों को बताइए। ये जो मेरा YouTube पे जाता है उसको रिलीज, उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। परमेश्वर आपका आशीष मेरे भाई बहनों को मिले, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर रहे। परमेश्वर इस कलीसिया पर है, सुनने वाले हर भाई, हर भाई बहन पर रहे। परमेश्वर आपका आशीष मांगते हैं। परमेश्वर परमेश्वर हम आपके बाड़े में बंधे रहें, ऐसी कृपा चाहते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे जोर से तालियां बजाइए। पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए, क्यों बोलेगा हालेलुया? जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया।